दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिटेलर हैं तो दोस्तों तो आप में से कई नए रिटेलरों को में ये ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग और APS और भी बहुत सारे ऐसी सर्विसें हैं जो कि उनकी ID पर शो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा इन ऑटोमेटिक ही क्यों चले गए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो पर इसकी पूरी जानकारी दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं अनुपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अनुपेंद्र टेक्निकल चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ इसके रिलेटेड और भी कुछ समस्याएं आ रही तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी समस्या क्या क्या आ रही है, दोस्तों एक किस वजह से आ रही है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों जैसे कि आप मैं अपनी ID को लॉगिन करके आप लोगों को दिखा दूं, जैसे कि एक तरफ जैसे कि आप मेरी ID देख रहे हैं, ये रही मेरी ID लॉगिन हो गई है। मैं आपको अपने प्रोफाइल पर दिखा दूं, ये मेरी ही ID है। अब आप इस पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपनिंग का हो गया और APS वाला ऑप्शन और अटल पेंशन, इसमें बहुत सारे ऐसे की ऑप्शन हैं जो कि ऑटोमेटिक ही गायब हो गए हैं। तो मैं अब अपने दोस्त की ID लॉगिन करके दिखाता हूँ कि उसके में क्या क्या ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन क्यों गायब नहीं हुए हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसकी लॉगिन ID करके आप प्रोफाइल पर दिखा दूँ, जैसे कि ये मेरे दोस्त की ही ID है। तो आप सारे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने भी सर्विस हैं, सब हैं इसके में। जैसे कि आप देख रहे होंगे APS बैंक अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दिए हुए, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, सब इसके में दिए हुए हैं। तो ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ना जो था पुराना रिटेलर था, आज से लगभग 3-4 साल इसको रिटेलर बने हो गए हैं। तो दोस्तों इसका ना मैपिंग हो गया है और जो नए रिटेलर है मैपिंग हुआ ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर ने किया ही नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर अब कर रहा है तो वो किस प्रकार से करेगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लेना है, वो आपको ना इसकी सारी जानकारी दे देगा और इसका अपडेट भी कर देगा। तो जब दोस्तों आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क एक बार जरूर कर लेना, वही ये सब कुछ करेगा और कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के बाद वो आपकी प्रोफाइल को ना जो है अपडेट कर देता है। अपडेट करने के बाद आपका 48 घंटे के बाद ये सारे ID, जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी सर्विसें हैं, सब आपकी आ जाएंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ये मैसेज भी आएगा। दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको 48 घंटे वेट कर लेना यदि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपडेट कर लेता है तो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।